मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मसीह यीशु के पवित्र नाम से आप सबको मेरी ओर से बधाई। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर भला परमेश्वर है, परमेश्वर आत्मा है, और जो कुछ उसकी आराधना करते हैं आत्मा से और सच्चे मन से उसकी आराधना करना चाहिए, ऐसा ही परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर के साथ जब हम सफर करते हैं हर दिन पवित्र आत्मा के साथ नामक इस छोटे से संदेश के द्वारा, आज एक विशेष संदेश आपको देना चाहता है। वचन पे चलते हैं। भजन संहिता 51 के 10 में दाऊद ऐसे बताता है, परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। स्थिर आत्मा उसका बिल्कुल उल्टा शब्द, ऐसी आत्मा जो स्थिर नहीं है। हे परमेश्वर मुझे स्थिर आत्मा दे, परमेश्वर हमें पूछना चाहे। दूसरी तरफ देखा जाए तो ऐसी आत्मा जो स्थिर नहीं है, जो स्टडी नहीं है। जब ऐसे अच्छे संदेशों को सुनते हैं या गाते हैं या प्रार्थना करते हैं, कलीसिया में जब होते हैं, वहाँ पर एक ऐसी सोच होती है, दुनिया में हम चले जाएं तो दुनिया की तरह हम बन जाएंगे। यही जो है याकूब कहता है, दुचिता मन वाला मनुष्य, जैसा मनुष्य जिसमें दुचिता है, वह जो अपने सभी पथों में ठीक नहीं होगा। यहाँ पर दाऊद बताता है कि हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। कहता कि उत्पन्न कर, रिवाइव करो परमेश्वर, बिल्कुल जी उठाओ परमेश्वर। आज आपकी आत्मा में ऐसी स्थिरता आपके आत्मा में या मन में नहीं है तो मैं कहता हूं परमेश्वर आपको बल देना चाहता है। परमेश्वर ही आपको बल देना चाहता है। आपके बारे में मुझे मालूम नहीं है ना, आज अक्टूबर 16 तारीख परमेश्वर आपको ये वचन दे रहा है तो आप परमेश्वर के द्वारा साहस प्राप्त करने वाले हो। ठीक है, कभी भी एक मनुष्य के साथ जो है तीन प्रकार की आत्माएं हैं, युद्ध करती हैं। मनुष्यिक आत्मा, हर एक मनुष्य के अंदर ये होती है, वो मनुष्यिक आत्मा है। दूसरी शैतान की आत्मा और तीसरा परमेश्वर की आत्मा। परमेश्वर की आत्मा की आवाज का जब हम आज्ञा को मानते हैं और कहते हैं कि हे परमेश्वर मुझे स्थिर आत्मा दे, बिल्कुल स्थिर आत्मा भीतर से मेरे अंदर उत्पन्न करता रहे, तो परमेश्वर पे आप निर्भर होते हैं और वो आपकी सुरक्षा करने लगता है। प्रार्थना करते हैं, भूलना मत, इसे जरूर शेयर करें। हिंदी भाषा बोलने वाले हिंदी लोगों को जरूर शेयर करें, तमिल भाषा बोलने वाले तमिल लोगों को जो है इसे शेयर करें। एक और बात बताता हूं, इसे इस संदेश को जो आपने सुना उसे बहुत ही अच्छे रूप से टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हो, व्हाट्सएप में ये मैसेज भेज सकते हैं, उसमें भी लोग जो है बल प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। प्रार्थना करते हैं, स्थिर आत्मा परमेश्वर आपको देने वाला है। हमारे प्रभु यीशु राजा अस्थिर व्यक्ति हैं पिता, आज एक कह सकते हैं कल दूसरी बात करने लगेंगे, पर तू बिल्कुल स्थिर परमेश्वर है, तू सदा हमारे अंदर स्थिर है। जो आत्मा तुमने उसके द्वारा पाया है वह आपके अंदर वास करता है, पहले यूहन्ना 1:27 वचन में जैसा कहा गया, हाँ पिता तेरे बच्चों के अंदर तू स्थिर बना रहे, स्थिर आत्मा काम करने लगे। इस प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर की स्तुति हो, नया बल तूने दे दिया, तेरी स्तुति हो। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू, फिर मिलेंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा, और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299546363। ईमेल chibisrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।